1930, दो चीज के बारे में बात कर रही है, एक तो गुड और उसका सेल। तो ये गुड्स के बारे में बात कर रहे और गुड्स के खाली सेल के बारे में, यानी ये चैप्टर में बाकी और कोई चीज का सेल नहीं आएगा। पहला बात तो ये क्लियर रखने का, इस चैप्टर में बाकी और कोई आइटम का सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एसेट, इनका सेल का बात नहीं होगा। यानी और कोई कॉन्ट्रैक्ट ये चैप्टर कवर नहीं करता, सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर करते, खाली गुड्स का सेल यहाँ कवर। तो यहाँ पे पहले बोला एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ सेल, क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, जो मैं पहले लिख दिया था, द लॉ रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स वॉज रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। पहले किसमें कवर्ड था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में ही कवर्ड था, बट लेटर ऑन इट वॉज रिपील्ड फ्रॉम द एक्ट एंड न्यू सेपरेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट द सेम, द नेम द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब यहाँ पहला आया एसेंशियल कंडीशंस, क्या क्या होगा ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो पार्टीज होना चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है अकेले खुद को माल नहीं बेच सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। टाइटल और ओनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे गुड्स का मालिक होने का हक, गुड्स के मालिक होने का हक ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दोनों एक ही बात है। टाइटल मतलब होता है वो गुड्स किसके नाम पे है, टाइटल मतलब ऑन द पेपर किसका नाम लिखा हुआ है गुड्स के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस देयर इज अ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स। सब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट आया, नंबर वन दो पार्टीज होना चाहिए, टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, गुड्स का सेल होना चाहिए, और आखिरी इंपॉर्टेंट बात कंसिडरेशन जो है ना वो ऑलवेज मनी होना चाहिए। मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह काइंड में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वहां तो ना मनी कंसिडरेशन कैन बी कैश, इन कैश और इन काइंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में केवल और केवल मनी ही कंसिडरेशन होना चाहिए एंड नॉट द एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन का बात यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाला था, मनी वाला, बाकी तो सब हम लोगों को ही पता है कि मालिक बनने का ट्रांसफर होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए, या काम का बात तो ये गुड्स और कंसिडरेशन में मनी होना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड्स क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे गुड्स का मतलब अपने जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े वही सेम डेफिनेशन है, मूवेबल आइटम होना चाहिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए गुड्स में, दो चीज इंक्लूड है, दो चीज इंक्लूड नहीं है, मनी, हाँ बोलो, हाँ और टाइटल का चेंज होना, हाँ वो नहीं बोला, हम बोलना चाह रहे हैं दो चीज गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा और दो चीज ऐसा जो गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, दो चीज जो इंक्लूड होगा वो है अगर आप कोई ट्री या ग्रास अगर सीवरेबल फ्रॉम लैंड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है कि जमीन से तोड़ के आप बेचोगे या काट के बेचोगे तब वो गुड्स है, और दूसरा चीज क्या था, दो चीज क्या इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड क्या होगा, इंक्लूड तो ठीक है ट्री या फिर कोई भी ग्रास वगैरह जो सीवरेबल फ्रॉम लैंड है, लेकिन दो चीज क्या एक्सक्लूड है, एक तो सिक्योरिटी, सेल सिक्योरिटी इस चैप्टर में कवर नहीं है, और दूसरा एक्शनेबल क्लेम।
ये दोनों गुड्स का डेफिनेशन में नहीं है। यही बात हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे भी, और भी कहीं पर भी जब आप कहीं भी पढ़ते हो गुड्स का डेफिनेशन में यही बात है। ठीक है, अब बोला गुड्स कितने टाइप का, तो बोला गुड्स तीन टाइप का है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो ऑलरेडी है, फ्यूचर गुड्स मतलब जो आपके डील होने के बाद बनेगा, और कंटिंजेंट गुड्स वो गुड जो किसी और बात पे डिपेंड करेगा वो बनेगा कि नहीं। जैसे बारिश हुआ तो फसल होगा, तो वहां पर कंटिंजेंसी है, वो गुड्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखो दोनों ही फ्यूचर जैसे लगता है, लेकिन फ्यूचर गुड्स में सर्टेनिटी है कि गुड्स हो गए, किसी बात पे वो डिपेंड नहीं हो रहा है। अब आप आए मेरे फैक्ट्री में, हमको ऑर्डर देके गए कि 200 लीटर ऑयल प्रोड्यूस कर दो, तो ऑब्वियस सब आते हैं प्रोड्यूस करके आपको बेचेगा, वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि 200 लीटर बन सकता है कि नहीं बनेगा। लेकिन फसल के एग्रीकल्चर के एग्जांपल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वेदर पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यानी गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। फिर एग्जिस्टिंग गुड्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, स्पेसिफिक, असर्टेंड, अनअसर्टेंड। माने स्पेसिफिक मतलब आप मेरे दुकान पे आए, वहां पे अगर एक ऑयल का बॉटल रखा हुआ, आप उंगली रख के बता रहे हो ये वाला ऑयल का बॉटल, वहां पे 50 ऑयल का बॉटल हो सकता है। मेरे गुड़ाउन में तीन गाड़ी खड़े है, तीन गाड़ी आप हाथ रख के बोल रहे लाल वाला मर्सिडीज, दैट मीन्स आप गुड्स को स्पेसिफाई कर दिए, अब डील हुआ आगे, अब बातचीत चालू होगा। ठीक है, लेकिन असर्टेन गुड्स क्या हुआ, आप तीन गाड़ी है ना, आप बोले हाँ एक गाड़ी चाहिए हमको, कोई सा पहले बात हो जाए उसके बाद गुड्स को स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक में क्या हो रहा है, पहले गुड्स स्पेसिफाई हुआ बाद में बातचीत होगा, लेकिन असर्टेन में पहले बातचीत होगा वहां पे गुड्स रखा हुआ है बाद में स्पेसिफिक होगा। और अनअसर्टेन मतलब आप मेरी दुकान में आए, आप बोले एक ऑयल का पैकेट दे दो, अब वो मेरे ऊपर हम कोई सा भी निकाल के दे, ठीक है। और स्पेसिफिक को भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, अपोर्शन और अनअपोर्शन। अपोर्शन मतलब सेपरेट करके रख देना, अनअपोर्शन मतलब सेपरेट करके नहीं रखे। ठीक, ये होगा टाइप्स ऑफ गुड्स। यूनिट वन जाते हैं, यूनिट टू पे आते हैं इसके। यूनिट टू क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो एक डेफिनेशन में पॉइंट है ना कि ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स। अब एक बात याद कर लेना बेटा, इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टी का मतलब वो जमीन जायदाद वाला प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे, यहां प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप बोल रहे। इस पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप और ओनरशिप का मतलब प्रॉपर्टी। क्योंकि यहां बोला प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स मीन्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर, यानी अब बायर उसका रियल ओनर हो जाए तभी माना जाएगा कि ट्रांसफर हुआ। ठीक है, फिजिकल ट्रांसफर का बात नहीं कर रहे हैं, मालिक बनने का हक ट्रांसफर होने का बात कर रहे हैं। और पासिंग, ये वाला क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी का पासिंग कब माना जाएगा, कब मान लेंगे कि नीरज के गाड़ी का मालिक अब अंकिता हो गई। पहला बात, गुड्स मस्ट बी असर्टेन, जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होगा तब तक मालिक होने का ट्रांसफर नहीं होगा। वहां तीन गाड़ी खड़े है, तीनों लाल कलर का, मान लो आप बोले रेड वाला गाड़ी हम लेना चाहते हैं, अरे कौन सा रेड वाला, तो आप प्रॉपरली बता दो कौन सा वाला गाड़ी का बात कर रहे हो। तो गुड्स असर्टेन जब तक नहीं होगा तब तक मालिक बनने का ट्रांसफर नहीं हो सकता। दोनों पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था। ये वाला कंडीशन भी बड़ा गजब है, स्पेसिफिक गुड्स अगर है ना वो डिलीवरेबल स्टेट में भी होना चाहिए,
आप गाड़ी पे हाथ रख दिए, मान लो आप कोई सामान चूज कर लिए, लेकिन उसके लिए अभी आपको डिलीवरी करने के लिए हमको उस पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, मान लो पैकिंग। आप बोले थे इसका दोबारा एक बार मेरे सामने वजन कराओ, फिर पैकिंग कराओ, तब हम इसका खरीदने का डिसीजन पक्का करेंगे। तो जब तक आपका कंडीशन के हिसाब से वो डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आ जाए, तब तक ओनर बनने का ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ गलती से ये लाइन रिपीट हो गया, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरी स्टेट, और दोबारा लीजिए स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरी स्टेट, वही की बात हो गई। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरी स्टेट बट द सेलर हैज टू समथिंग इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस। हाँ, प्राइस भी पक्का हो जाना चाहिए। अगर प्राइस पक्का होने में अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, तब तक भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तब तक क्या क्या बात कर लिए, कि गुड्स असर्टेन होना चाहिए, पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए, डिलीवरी का पोजीशन होना चाहिए, और प्राइस पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर अनसर्टेन गुड्स है तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया तो उससे मैच होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर को दिए बिना आप ओनर नहीं मानोगे अपने आप को, तो कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर आपका मेरा बात यही हुआ था कि हम ट्रांसपोर्टर को बाल चढ़ा दिए, अब आपका हक, अब आप मालिक, अब उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपका। तो जब तक ट्रांसपोर्टर को चढ़ाएंगे तब तक आप मालिक नहीं बनोगे। और गुड्स अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है, तो जब तक आप अप्रूवल नहीं दो तब तक हम गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सेल ऑन अप्रूवल पता है, तो या तो दो कंडीशन होता है ना, या तो टाइम लैप्स हो गया, अब तक मैं हाँ का जवाब नहीं दिया, हम मान लेंगे आप रख लिए, या फिर आप हाँ का आंसर भेज दिए कि आप गुड्स रखने को तैयार हो, तो उस केस में आप ओनर बन जाओगे। यहाँ पता है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का बात पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा ये जानने का कि रिस्क किसके हाथ पे चला जाएगा। एक बार अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो बेटा जी उसके बाद गुड्स का जिम्मेदारी आप पे। अब अगर गुड्स को कुछ होता है तो वो आपका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। तो रिस्क पासेस विद ओनरशिप, इसीलिए जानना जरूरी है कि कब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्योंकि जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानेंगे तब तक गुड्स को कुछ हो जाए तो फिर सेलर का जिम्मेदारी है, बायर का तो कुछ नहीं। ठीक बात, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करते हैं, मान लो ये सब कुछ हो गया जो बात अभी ऊपर बोला गया, लेकिन आप बोले थे एक बार गुड्स अपने गोडाउन में रखो, हम कल सुबह डिलीवरी ले लेंगे, फिजिकल डिलीवरी हम सुबह ले लेंगे। अब रात को मेरे गोडाउन में गुड्स को आग लग गया, तो किसका रिस्क, आपका कि मेरा? हाँ, अब वो बोला फिजिकल डिलीवरी कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार अगर ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसके बाद रिस्क भी बायर का हो जाए। ठीक बात है, रिस्क, यही बात देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट पे बोला, रिस्क प्राइमा पेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, इसीलिए जानना जरूरी है कि ओनरशिप ट्रांसफर कब मान। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ रिस्क ओनरशिप के साथ ट्रांसफर नहीं होगा। When the delivery has been delayed due to the fault either party of the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party at the fault is regarded as loss which might not have been occurred but for such fault. अगर fault seller का है goods को कुछ होने में, भैया बोला ना मेरे ग्राउंड में पड़ा है, natural आग लग जाता, आपका गलती, आप क्यों नहीं पिक कर लिए थे पहले goods को। सेलर बोलेगा हम क्या करें, तुमको तो बोले थे ले जाओ, तुम लेके नहीं गए। लेकिन अगर वो गोडाउन में आग लगे मेरे ही कारण, तो फिर हम थोड़ी ना, हाँ सेलर के कारण ही, मतलब फिर ये थोड़ी ना बोल पाएगा सेलर कि तुम क्यों नहीं लेके गया था डिलीवरी, तुमको कौन बोला था मेरे गोडाउन में रखने की। ठीक बात, तो अगर आप ओनर बन भी गए हो लेकिन मेरे फॉल्ट के कारण गुड्स को कुछ हुआ है, या डिलीवरी देने में डिले हम कर रहा था और फिर गुड्स को कुछ हुआ है, तो फिर सेलर का ही रिस्क रह जाएगा। तो नॉर्मली रिस्क उसका जो गुड्स का ओनर, जैसे प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया,
रिस्क बायर का हो गया, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या बोला, अगर सेलर का फॉल्ट है तो इफ देयर इज अ कस्टम इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड दैट द रिस्क डज नॉट पास विद द प्रॉपर्टी, हम लोग जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं ना उस चीज का नॉर्मल नेचर ही यही है कि रिस्क ओनरशिप के साथ ट्रांसफर नहीं होता। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, कपड़ा मार्केट में जब काम होता है ना बेटा, हाँ, तो वहां पे ये रूल होता है कि अगर मेरे ग्राउंड में मालिक का कुछ को कुछ हो गया तो रिस्क सेलर का ही रह जाएगा, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बायर को। तो अगर वैसा कस्टम है, यहाँ पे क्या बोले, जैसे कस्टम दैट मीन्स वैसा होता ही है उस बिजनेस में नॉर्मली नेचुरली प्रैक्टिकली रियल लाइफ ओरिएंटेड, तो फिर वहां पर रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा ओनरशिप के साथ, या फिर आपका मेरा एग्रीमेंट में ये बात हो गया था, हम एग्री कर लिया था कि रिस्क मेरा हम रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तो फिर ऑब्वियस सा बात है बेटा, अगर एग्रीमेंट में सेलर ये बोल दिया है कि भले ही तुम ओनर हो गए बट रिस्क हम लेने को तैयार है, तो ऑब्वियस सा बात है एग्रीमेंट में लिख दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं बचा बोलने के लिए। तो तीन केस है जहां पे ओनरशिप के साथ ट्रांसफर। अगला टॉपिक है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। क्या बोलना चाहता है, नॉर्मल एक रूल होता है बेटा, जिसके पास गुड टाइटल ऑफ द गुड्स नहीं है, ये गुड टाइटल मतलब एकदम परफेक्ट मालिक होने का, वो आदमी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता ओनरशिप। आप जिस चीज के ओनर नहीं हो, आप किसी और को उसका ओनर बना सकते हो क्या? अंकिता का एक फ्लैट है, क्या नीरज पवित्र को बोल सकता है कि आज से इस फ्लैट का तुम मालिक? नहीं। तो नेचुरल रूल क्या बोलता है, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, मतलब जिसके पास नाम नहीं है वो किसी और को नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, यहां नाम का मतलब ओनरशिप है। नॉर्मल रूल यही है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कुछ कुछ, जहाँ पे आप ओनर नहीं होते हुए भी गुड किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप मेरे मर्केंटाइल एजेंट हो तो ऑब्वियस सा बात है, आपको एजेंट क्या चीज के लिए अपॉइंट किया है, मेरा गुड बिकवाने के लिए ना। तो आप किसी पार्टी से डील करके आ गए, हम ये नहीं बोल सकते हम तो नहीं देगा, तुम थोड़ी ना मालिक हो, तुमको कौन बोला है मेरा गुड बेचना। अरे भैया तुम हमको अपना एजेंट अपॉइंट किया, मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो सेलिंग एजेंट होता है, मेरा ऑलमोस्ट ओवरऑल सब कुछ तुम ही संभाल रहे हो, माल बिकवाना पैसा कलेक्ट करना, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है एजेंट और किस चीज़ के लिए अपॉइंट होगा बेटा, माल बिकवाने के लिए ही तो हो रहा है, तो फिर वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। एक्चुअली में एजेंट ओनर थोड़े ना गुड्स का, फिर भी वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। ज्वाइंट ओनर सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर, हम और आप एक प्रॉपर्टी एक गुड्स के मालिक हैं, आप पवित्रों से डील करके आ गए कि आप इसको गुड बेचोगे, अब हम नहीं बोल सकता, अकेली अंकिता कैसे फैसला ले सकती है, जाओ पवित्र तुमको गुड्स नहीं देंगे, वो बोलेगा तुम लोगों का आपस का झगड़ा है, तुम लोग सल्टो, हमको नहीं मतलब है। मेरे को एक ज्वाइंट ओनर अगर बोला है तो हमको तो मालिक बनने का नहीं है, अब आपका मेरा वो लड़ाई होगा, हम लोग का मैटर कोर्ट में जाए, हम आप पे केस करें, वो अलग बात है। बट एक सिंगल ओनर अगर प्रॉपर्टी का कोई ज्वाइंट ओनर है तो सिंगल ओनर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। सेल बाय अ पर्सन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम आपके माथे पे बंदूक रख के प्रॉपर्टी अपना नाम करवा लिया था, या गुड्स, इस चैप्टर में गुड्स का बात हो रहा है, हम गुड्स अपने नाम करवा लिया था, आप उस समय तो साइन कर दिए डर के हमारे, बाद में गए आप कोर्ट में, आप ये प्रूव कर दिए कि नीरज मेरे साथ जबरदस्ती करके ये गुड्स अपने नाम लिखवाया था, धमकी दे के माथे पे बंदूक रख के कोएर्शन करके, पढ़ते ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोएर्शन, याद होगा थोड़ा बहुत। हाँ। तो बेटा जी कोर्ट मान लिया इस बात को, कोर्ट में आप प्रूफ कर दिए, लेकिन अभी एक्चुअली में डॉक्यूमेंट पे नाम किसका है, नीरज का, क्योंकि आप तो साइन किए हो नीरज को ट्रांसफर। हाँ। तो ओनरशिप तो नीरज का है, अब ये कोर्ट प्रोसेस होने में कई बार टाइम लगता है कि वापस दोबारा डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, वो सब में टाइम लगता है, ठीक है ना।
इसी टाइप को वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोर्ट आपको ऑप्शन देगा ना, बोलो क्या करना है, इसी को बोलते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोर्ट एक पार्टी को, एग्राइव्ड पार्टी को जिसके साथ गलत हुआ है, उस पार्टी को जब कोर्ट ये मौका देता है, चांस देता है, ऑप्शन देता है कि बताओ क्या करना है, ये डील करना है कि कैंसिल करना है। ये जनरली होता है कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब में होता है। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ यानी एग्राइव्ड पार्टी, उसको कोर्ट ऑप्शन देगा या लॉ उसको ऑप्शन देता है कि तुम बोलो कॉन्ट्रैक्ट को करना है कि नहीं। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कोर्ट बोलेगा क्वेश्चन के केस में कि नीरज तुमसे धमकी करके लिखवाया, तुम अब बोलो क्या करना है। तुम बोला नहीं, हम तो नीरज को नहीं देना चाहते। वो कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम वापस ओनर बन जाओगे, डोंट वरी। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा ना, दोबारा तुम्हारे नाम पे पेपर ट्रांसफर होने में। तब तक तुम अब बेच नहीं पाओगे, नहीं कोर्ट बोला ठीक है बेच लो कोई दिक्कत नहीं। तो हिसाब से तुम ऑन पेपर ओनर नहीं हो, बट यू कैन सेल इट। सेल ऑफ बायर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, आप हमको माल बेच दियो, ठीक है, ओनरशिप अभी मेरे नाम पे पेपर ट्रांसफर नहीं किया, फिजिकली हमको गुड्स दे दियो। फिजिकली आप बोले नीरज सर ले जाओ ट्रक में भर के, पेपर वर्क हम लोग कल तो सैटरडे संडे या मंडे को कर लेते। हम बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये सैटरडे संडे में हमको एक पार्टी मिल गया जो ये माल डबल डेढ़ गुना दाम में खरीदने को तैयार है। हम आपसे 1 लाख में उठाए, पार्टी 1.5 लाख में खरीदने को तैयार है। हम बेच थोड़ी नहीं करेगा मंडे ट्यूजडे आने का, तो हम बेच सकते हैं। भले ही ऑन डॉक्यूमेंट अभी तक हम मालिक बने नहीं हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला सेल बाय स्टॉपेल, हम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं अंकिता हमको गुड बेच दी। अंकिता एक्चुअली में बेची नहीं थी, बट अंकिता चुप रही, अंकिता कुछ बोली नहीं। अब हम एक पार्टी को माल बेच दिया, वो पार्टी मेरे से गुड फेथ में ले लिया, अब आप कुछ नहीं बोल सकते, माल बेचना ही पड़ेगा। हम बेच दिया, हम वहां पे खड़ा होकर चिल्ला रहा था इस गुड्स का मालिक हम है, अंकिता एक्चुअल ओनर है, लेकिन बट अंकिता चुप रही, ठीक है। लोग तो मान लेंगे ना नीरज ही ओनर है। अब नीरज एक पार्टी से डील करके माल बेच दिया, तो यहाँ पे एक्चुअली में तो नीरज ओनर है नहीं, बट स्टिल नीरज कैन सेल इट, ठीक है। सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, किसी को पड़ा हुआ सामान मिला, हिसाब से वो पहले ओनर को ढूंढेगा, ओनर नहीं मिला या ओनर लेने को तैयार नहीं है डिलीवरी, अब क्या करेगा फाइंडर। हाँ भले वो ओनर नहीं है फिर भी, ठीक। सेल बाय पॉनी, पॉनी क्या होता है, ये वर्ड सुनो, पॉनर एंड पॉनी, सुनो दोबारा, बेलर बेली सुनो, नहीं ठीक है। होता क्या है बेटा, कई बार ट्रांसपोर्टर वगैरह या वेयर हाउस वगैरह में हम लोग गुड्स रखवा देते हैं, मेरा गुड्स किसी और के पोजीशन में है, पोजीशन में है फिजिकली, उसको हम बोला है ये गुड्स मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम जहां बोल रहे हैं वहां पहुंचवा दो, नहीं मिले तो मेरे को वापस कर देना या इसको मेरे बताए हुए तरीके से डिस्पोज कर देना। इसी पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं बेलमेंट या पॉनर पॉनी कंसेप्ट। एक एग्जांपल देते हैं, आपका वेयर हाउस है, आपका वेयर हाउस में मेरा गुड्स पड़ा है, इस एग्रीमेंट को बेलमेंट बोलते हैं। आप मेरा गुड्स मेरे भी आपको होल्ड कर रहे हैं। अब अगर आपको हम बोलते हैं मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन आएगा उसको दे देना, आप उसको दे दोगे, कोई नहीं आएगा तो आप हमको रिटर्न कर दोगे मेरा गुड्स, बदले में आप कुछ पेमेंट लोगे। इस पूरा कंसेप्ट को बोलते हैं बेलमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल केवल एक आइडिया दिए, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे वो वेयर हाउस वाला गुड्स का मालिक है क्या, नहीं, बट वो मालिक के बोलने पे किसी और को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते।
सेल बाई ऑफिशियल रिसीवर ऑफ असाइनी, हम किसी को अपना और पूरा काम असाइनमेंट में दे दिए कि मेरे भी आप ये पूरा काम देखिएगा, तो वो भी बेच सकता है, ठीक बात। अंडर नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रांसफर होता ही है, तो ये सब केस में हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ये लोग मिस किया, हम बता देते हैं ऑक्शन का केस, ये पॉइंट ये लोग मिस किया बट हम लिख दे रहे हैं। ऑक्शन का केस में ऑक्शनर आता है ना कोर्ट की तरफ से, तो वो ऑक्शनर एक्चुअली में उसका मालिक है क्या? नहीं, बिडिंग करवाने वाला, बट वो तो बोली लगवा लगवा के बेचता है ना। हाँ सर, तो फिर वो भी बेच सकता है, मतलब विदाउट ओनर हुए, ठीक बात। तो ये सब केस हुए जहाँ पर ओनर नहीं होते हुए भी आप उसको सेल कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, कंडीशंस एंड वारंटीज इस चैप्टर का सबसे जानदार पार्ट, जहाँ से केस बनने का बहुत बड़ा उम्मीद है। इसके बाद एक और आएगा, दो ही मेन पार्ट, अनपेड सेलर और कंडीशन एंड वारंटी, यही दो मेजर टॉपिक है इस पूरा पार्ट। क्या होता है कंडीशंस एंड वारंटीज? देखो बेटा, किसी भी डील में कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तुम्हारे मेरे बीच में डील हो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, उन टर्म्स को ही बोला जाता है कंडीशंस एंड वारंटीज। जैसे तुम्हारे मेरे बीच में डील हुआ, हम बोले हमको, जैसे मान लो तुम्हारे मिठाई का दुकान है और मेरे घर में कल सुबह एक पूजा है, हम आपको दुकान में आए और आपको बोले हमको 150 पीस लड्डू चाहिए, साइज बता दिए आपको, टेस्ट या क्वालिटी बता दिया हम, और आपको डिलीवरी का टाइम भी बता दिया कि कल सुबह 8 बजे डिलीवरी कर देना, पूजा 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम 2-3 चीज़ बोला ना आपको, साइज बताया, क्वालिटी बताया, डिलीवरी का टाइमिंग बताया, यही सबको बोलते हैं टर्म्स। आपके मेरे बीच में डील हुआ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, उन्हीं टर्म्स को बोला जाता है कंडीशंस एंड वारंटीज। सर तो दो क्यों बोलते हैं, एक बोलिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वेरी वेरी एसेंशियल टर्म्स, मतलब वो टर्म टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देंगे, उनको बोलते हैं कंडीशंस। और वो टर्म्स जो टूटे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा, सिर्फ एक दूसरे को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसको बोलते हैं वारंटीज। दो एग्जांपल दे रहे हैं, अभी जो मेरा आपका मिठाई वाला बात हुआ, उन्होंने 3 बात बोला था आपको, साइज बताया, क्वालिटी बताया और डिलीवरी का टाइमिंग बताया, है ना, ठीक है, 3 पॉइंट बोला। तो बेटा जी, इनमें से कौन सा बात आपको लग रहा है जो टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा? सर वेरी गुड, वेरी गुड, लेट हो गया, हम बोला ना आपको मेरे घर में 8:30 बजे पूजा है, हमको 8 बजे तक लड्डू डिलीवर कर देना, अब आए लड्डू 11 बजे लेके, अब हम उस लड्डू का क्या करें, फोटो फ्रेम बनाए क्या, अचार बने, है ना, उस केस में हम क्या बोलेगा आपको, ले जाओ अपना लड्डू वापस, हम तो नहीं लेगा, मतलब आए हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये वेरी वेरी वाइटल पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो वाइटल पॉइंट यानी एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स विच आर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं। अच्छा यार, टर्म्स वर्ड यूज नहीं करता, ये लोग क्या वर्ड यूज करता है पता है, टर्म्स की जगह स्टिपुलेशंस, स्टिपुलेशन का मतलब वही होता है टर्म्स। तो वो स्टिपुलेशन जो बहुत ही एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं कंडीशन, और जो स्टिपुलेशन एसेंशियल नहीं है उसको बोलते हैं वारंटी। जैसे साइज, हम आपको बोला हमको लड्डू स्पेसिफिक साइज का चाहिए, ठीक है, अब अगर वो साइज छोटा बड़ा आ जाए
तो हम ये नहीं बोल सकते ले जाओ अपना लड्डू वापस, हमको नहीं लेना डिलीवरी। हम क्या बोलेगा, भाई देख साइज छोटा है, 12 रुपए का बात हुआ था, हम 10 रुपए देगा। मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, हम आपसे कॉम्पनसेशन ले सकते हैं बट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हम आपके साथ एग्रीमेंट करते वक्त ये बोल देता कि साइज मेरे लिए एसेंशियल एलिमेंट है, तब फिर साइज एसेंशियल एलिमेंट हो जाता। तो बेटा जी वो स्टिपुलेशंस, वो टर्म्स जो वाइटल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उनको बोला जाता है कंडीशंस। और वो स्टिपुलेशंस, वो टर्म्स जो वाइटल नहीं अदर देन एसेंशियल एलिमेंट है, उनको बोला जाता है वारंटी। बात क्लियर है? अब बेटा जी एक सीधा साधा बात, अगर हम आपको सब कुछ ओरली बोल दिया या लिख के दे दिया था ये टर्म्स वाइटल है, ये टर्म्स नॉट वाइटल है, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म। यानी हम एक्सप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, एक्सप्रेस कि ये टर्म्स, ये स्टिपुलेशंस एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और ये टर्म्स या ये स्टिपुलेशंस एसेंशियल नहीं है अदर देन एसेंशियल है, तब तो बात ही खत्म। लेकिन अगर कहीं कहीं पर हम बोला नहीं है, बट ऐसा क्या क्या सिचुएशन हो सकता है बेटा जी, जो बोले या नहीं बोले उसको इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा, या बोले या नहीं बोले उसको इम्प्लाइड वारंटी माना जाएगा। देखो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन का लिस्ट दिया है, कंडीशन टू द टाइटल, क्या ये बात हमको बोलना पड़ेगा अंकिता कि गुड्स हमको वही बेचता है जिसका तुम खुद ओनर हो? ऑब्वियस सा बात है, तुम ओनर नहीं हो तुम हमको कैसे बेच सकते हो? और बाद में अगर ये हम पकड़ लिए कि तुम ओनर नहीं था, हमको बेवकूफ बना के बेच रहे थे, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो वही कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यानी ये कंडीशन हो गया। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, हम आपकी दुकान में आया, बोला देखो हमको मोबाइल का उतना समझ नहीं है, हम तुमको फीचर बता दे रहे हैं, हमको ये फीचर वाला एक मोबाइल फोन दे दो। तो जैसा हम डिस्क्रिप्शन दिया, अगर उससे गुड्स मैचिंग नहीं हो, बाद में घर ले जाने के बाद हम आपका फोन वापस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ दे। आप ये नहीं बोल सकते अरे ठीक है ना, आप जैसा बोले थे वैसा नहीं है, तो क्या थोड़ा बहुत कम है, आप काम करो ना 10,000 की जगह 9,000 दे दो, ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। वहाँ कॉम्पनसेशन का बात नहीं होगा, हम जैसा डिस्क्रिप्शन दिए अगर गुड्स से गुड्स मैच नहीं है, तो हमको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि देखो मेरा डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ तो हम वापस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये बोलने का जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड बात, ठीक है। कंडीशन एज टू सैंपल, हम आपकी दुकान में आए, आप हमको सैंपल दिखाए, हम आप चावल बेचते हो, हम आपकी दुकान में आए, आप हमको 56 वेराइटी का चावल दिखाए, हम एक वैरायटी पसंद करके बोला ये वाला वैरायटी का 100 केजी पैक कर दो, 100 केजी का एक बोरा पैक कर दो, आप दे दिए पैक करके, हम घर लेके गया, वो सैंपल से मैच नहीं हो रहा, क्या हमको आपको बोल के जाना पड़ेगा कि देखो भैया जो सैंपल दिखाया उससे मैच नहीं हुआ ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, सर बोलने का जरूरत नहीं, आप तोड़ सकते, ठीक। कंडीशन टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल एक साथ दोनों था, हम आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया, उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप हमको सैंपल भी दिखाए, और बाद में वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच नहीं कर, ऐसा बात है जब दोनों को अलग अलग में आप कंडीशन मान रहे हैं, तो दोनों एक साथ आ जाएगा तो जबरदस्त कंडीशन हो जाएगी, ठीक बात। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, हमको आपको ये बोलने का जरूरत नहीं ना बेटा, ये गुड्स यूजेबल होना चाहिए। आप हमको मोबाइल फोन बेचे, हमको ये बोलने का जरूरत है क्या भाई फट तो नहीं जाएगा ना, ये बात करते हुए अब हम घर लाए और वो फट गया, अब हम आपको वापस करने आया, आप बोल रहे हो तुम कब बोल के गए थे कि फट जाएगा तो वापस कर दूंगा तो ये बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। कंडीशन है टू मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबिलिटी क्या होता है, आगे बेचने लायक, आप होलसेलर हो हम रिटेलर है, या आप मैन्युफैक्चरर हो हम होलसेलर या रिटेलर है,
तो ऑब्वियस सा बात है बेटा जी, हम आपको गुड्स लाए हैं तो वो आगे अगर बिक ही नहीं रहा है, वो बेचने लायक कंडीशन में नहीं है, तो हम आपको वापस ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, अब ये होलसमनेस में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक बात ध्यान रख लो, ये वाला वर्ड केवल फूड आइटम के साथ होता है। होलसमनेस का मतलब होता है खाने लायक, ये खाली फूड आइटम के साथ होगा। अरे बेटा और क्या खाओगे फूड के अलावा? तो खाने लायक अगर कोई चीज नहीं हो, हम आपको दुकान में आया पिज्जा लेके गया, खाने लायक कंडीशन। हम आपकी दुकान से आया पिज्जा लेके गया, उस पिज्जा में कीड़ा निकला, आप बोले क्या फर्क पड़ता है, कीड़ा हटा दो खा लो। ऐसे नहीं होगा ना, आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, कीड़े तो निकला है, 100 रुपये का पिज्जा का 80 रुपये दे दो, चलो छोड़ो कॉम्पनसेशन दे रहे तुमको 20 रुपये का, एक तो डिसिप्लिन खा लेना। तो ऐसे नहीं होगा ना, तो हम आपको बोलने का जरूरत थोड़ी ना, हम घर लेके गया, घर में गया उसमें खराब निकला, हम आपको ला के वापस ही देगा ना, और हम क्या बोलेगा, मेरा पैसा वापस दे दो सामान रखू, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ एक कंडीशन था जिनको कंडीशन माना गया था, कुछ एक स्टिपुलेशन है जिनको इंप्लाइड कंडीशन माना गया है, अगर इनमें से कोई एक बात हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट वहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब आता है इंप्लाइड वारंटीज, क्वाइट पोजीशन, आपका एक घर खरीदा, यहाँ पे घर का एग्जांपल होना नहीं चाहिए क्योंकि ये गुड्स का चैप्टर है, बट एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ। आपका घर खरीदा, घर के आसपास बहुत चिल्ला मिल्ली मस्त है, बहुत साउंड पोल्यूशन हेन तेन है, अब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हम ये बोल सकते हैं घर का 25 लाख की जगह हम 20 लाख ही दें। क्वाइट पोजीशन मतलब शांति से यूज करने लायक, शांति से, हम यहाँ क्वालिटी का बात नहीं किया, क्वालिटी ऊपर चला गया, होलसमनेस फिटनेस ऊपर चला गया, हम यहाँ बोल रहे हैं क्वाइट पोजीशन मतलब शांति से हम उसको यूज कर सकते, ठीक है। तो अगर क्वाइट पोजीशन नहीं मिल रहा है तो हम कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस क्या होता है, कहीं पर गिर भी नहीं रखा हुआ, मान लो प्रॉपर्टी आपका वो कहीं पे गिर भी रखा हुआ है आपका, आप हमको झूठ बोल के भेज देना, लो गुड्स ही है आपके ग्राउंड में कोई चीज का 1 लाख पीस पड़ा है, वो आपने गिर भी रख के लोन लिए थे और हमको चुपचाप बेच दिया बिना बताए कि ये गुड्स गिर भी रखा हुआ, गुड्स है हम ले लिया, अब ओनर तो हम हो गया, अब जिसके पास आप गिर भी रखे रहे वो पैसा मेरे से मांगेगा, है ना, वो लोन हमको चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाए तो वो गुड्स उठा के ले जाएगा, तो हम आपको क्या बोलेंगे, वो लोन का जितना पैसा देना है वो तुम हमको दो, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं रहे यहाँ पे, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं रहा, ये नहीं बोल रहा आपका गुड्स वापस ले लो, इसको इम्प्लाइड वारंटी माना गया है, यहाँ पे हमको जितना नुकसान हो रहा है हम उतना आपसे कॉम्पनसेट करवा सकते, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ पाएंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में इंप्लाइड वारंटी हो, ठीक है, या हम कोर्ट केस करेगा आपको, मान लो आप पैसा ले चुके हो, अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भी हम क्या करें, तुम बोल रहे तुम समझो भाड़ में, हम क्या करें, तो हम कोर्ट केस करें। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात देखो, यहाँ पे वारंटी एज टू फिटनेस और ऊपर बोला था कंडीशन एज टू फिटनेस, सर दोनों जगह एक ही बात कैसे आ सकता है, बेटा जी डिपेंड करता है वो कितना खराब क्वालिटी में, अगर वो थोड़ा बहुत खराब क्वालिटी में है और हम लेने को तैयार है तो हम आपसे कॉम्पनसेट करवा सकते हैं। जैसे आप टमाटर की दुकान में टमाटर लेने गए, एक फ्रेश टमाटर रखा हुआ था उसके वहाँ और थोड़ा एक टमाटर रखा हुआ जो थोड़ा एक दिन पुराना था, आप ले गए घर जाके देखे कि टमाटर बहुत ज़्यादा ही अंदर से गला हुआ है,
गला हुआ है, सड़ा हुआ नहीं है। जी जी। आप दुकान में दोबारा गए, आप दुकानदार को ये बोले ठीक है कोई बात नहीं हम टमाटर ले लेते हैं, बट भैया इसका 25 रुपए किलो नहीं देंगे, इसका हम 18 रुपए किलो ही देंगे। अब वो सड़ा हुआ होता तो आप उसको कंडीशन बना सकते हो, ठीक है। वारंटी हैज टू डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर। दुकानदार का ये जिम्मेदारी बनता है कि गुड्स में अगर कोई डेंजर एलिमेंट है तो वो आपको डिस्क्लोज करे। देखो जिम्मेदारी बनता है, कंपल्सन नहीं। आई रिपीट, जिम्मेदारी बनता है, कंपल्सन नहीं, ठीक है। तो अगर डेंजरस नेचर है, वो डिस्क्लोज नहीं किया, कस्टमर गुड्स ले गया, अब उससे वो डेंजर नेचर के कारण उसको कुछ गड़बड़ हो गया, वो आगे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। आप मेडिसिन दुकान से मेडिसिन ले गया है, मेडिसिन पे ये बात मेंशन नहीं था, कीप इट अवे फ्रॉम बिलो फाइव ईयर चिल्ड्रन। आप घर ले आए, बच्चा पी लिया, उसका हुआ तबियत खराब, आप कंपनी में केस करके कॉम्पनसेशन ले सकते। एक बात, ये सब क्या हो गया, एम्प्लाइड वारंटी। एक मच छोटा सा टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्प्टर। केवीए टेम्प्टर का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, लेट द बायर बी अवेयर। जनरल रूल ये बोलता है, ये बायर का जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ चेक करके ले, हर बात वो सेलर के ऊपर छोड़ नहीं सकता। तुम अगर गुड्स खरीद रहे हो, तुम्हारा भी तो जिम्मेदारी बनता है उस पर पढ़ लो एक्सपायरी डेट है कि नहीं, तुम्हारा भी तो जिम्मेदारी बनता है पढ़ लो उस पर कोई इंस्ट्रक्शन है क्या डेंजर का, नहीं पता है तो पूछ लो, हर चीज पढ़ लो वाला बात भी नहीं है। तुमको भी दुकानदार से पूछना आना पड़ेगा, तुम ये दुकानदार के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो ए टू जेड बात तुमको बताएगी। तो बायर को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, नहीं है तो पूछो, नहीं है अवेयर तो पूछ लो, या तो तुमको पता है या फिर नहीं पता है तो पूछो। बट अगर तुम वो नहीं करते हो और कल को कुछ हो जाता है तो तुम हर बात पर सेलर पे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा नहीं है, बट हम बता देते हैं ऊपर वाला ये सब पॉइंट ही, कंडीशन वाला जो पॉइंट्स है ना वही सब एक्सेप्शन। कि अगर तुमको सैंपल दिखाने के बाद या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पर दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि तुमको अवेयर होना चाहिए, तुम एक एक पीस चेक करके क्यों नहीं ले। अब मान लो तुम्हारे दुकान से एक बोरा चावल लिए, हम क्या एक एक दाना चेक करें बैठ के कि सैंपल से मैच हो रहा है कि नहीं, या डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं। तुम गुड्स के मालिक हो या नहीं हो ये हम कहाँ से चेक कर लेंगे, तुम ये नहीं बोल सकते हम पता कर लेते हैं मालिक था कि नहीं। अरे तुम्हारा दुकान में सामान पड़ा है, हम कहाँ पता करने जाएंगे, ठीक बात ना। तो जो कंडीशंस वाला पॉइंट है ना, कंडीशंस वाला, वो सब केस में दुकानदार ये नहीं बोल सकता लेट द बायर बी अवेयर, वहां पर दुकानदार का जिम्मेदारी बनता। एक और पॉइंट बनता है जो कंडीशंस वाला पॉइंट में नहीं है, अगर दुकानदार फ्रॉड करके तुमको कोई सामान बेचा है ना, वहां पर वो नहीं बोल सकता बायर को अवेयर होना चाहिए। जैसे मान लो टेप रिकॉर्डर बेचा तुमको या मोबाइल बेचा जिसका कंडीशन थोड़ा खराब था, वो उसको ऐसा ढक दिया कि तुम सामने सामने देख के चेक ही नहीं कर सकते, वो यूज करने के बाद ही पता चलता। जैसे मान लो उसका बैटरी 2 घंटा में एकदम खत्म हो जाता, वो क्या किया जब तुमको बेचा तब फुल चार्ज करके दी ताकि तुम उस समय समझ ही नहीं सको इसका बैटरी डाउन भी होता है बहुत जल्दी, ये तो फ्रॉड हो गया ना। तो बाद में वही हो सकता तुमको अवेयर होना चाहिए काम क्या कर, अरे तुम फ्रॉड करोगे हम कहाँ से अवेयर हो, ठीक है। आई थिंक इसका भी एक मिनट, नहीं इसका 2 यूनिट बनते, ठीक है नेक्स्ट क्लास में बनते, इसका 2 यूनिट बनते, ठीक है, 2 क्लास में।